एडवेंचर के शौकीन चीन से ताल्लुक रखने वाले पार्कर रनिंग के माहिर ही यो नामी नौजवान ने ऊंचे नीचे मुकामात पर न सिर्फ फ्री रनिंग का शानदार मुजाहिरा किया बल्कि इस दौरान कई फुट ऊंचाई से कलाबाजी खाने समेत ऐसे शानदार स्टंट्स पेश किए कि राह चलते लोग भी मुतवज्जे हो गए और नौजवान के शौक और महारत की खूब दाद दी। वाज़ह रहे कि ही यो अपनी महारत के बिना पर गुज़िश्ता साल होने वाले फ्री रनिंग के आलमी मुकाबले में फ्री रनिंग चैंपियन अवार्ड अपने नाम कर चुका है। अमेरिका में खवातीन अपने हकूक के लिए और हिरासत किए जाने के खिलाफ सड़कों पर निकल आईं। रियासत टेक्सास में खवातीन ने अपने हकूक के लिए अहम शहरों में मार्च किया। हजारों खवातीन और उनके खानदानों ने रैलियों में शिरकत करके जिंदगी के हर शोबे में अपने हकूक का मुतालबा किया। बेशुमार खवातीन ने खवातीन की सियासी मामलात में शमूलियत और उनको बाख्तियार बनाने के अमल को फरोग देने के लिए इस मार्च के जरिए आगाही दी, जिसमे खवातीन के मुसावियाना हकूक, बराबरी की बुनियाद पर तनख्वाह, इंसाफ और मुसावात के अमूर पर जोर दिया गया। अमरीका में गुज़िश्ता साल से होने वाले खवातीन के इस मार्च ने एक ताकतवर तहरीक की शक्ल अख्तियार कर ली है, जिसने हजारों सरगर्म कारकुनों और नए रहनुमाओं को जन्म दिया। इस तरह ये तहरीक मुस्तकबिल करीब में अमेरिका में तब्दीलियां लाने का सबब भी बन सकती है। स्काई के शो की तकमील के लिए खातून ने सैकड़ों फीट बुलंदी पर जहाज से छलांग लगाई और फिजा में उड़ान भरते हुए न सिर्फ अपने हवास बहाल करने की कोशिश करती दिखाई दी। इस दौरान हवा के शदीद दबाव की वजह से इसके मुंह में लगे मसनूई दांत भी निकल गए और उड़कर इंस्ट्रक्टर के चश्मे पर लगे और फिजा में गुम हो गए, जिसके बाद खातून ने अपना मुँह हाथों से दबा लिया और सूरत हाल पर हैरान दिखाई दी। इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर धूम मचाई कि जिसने देखा अपनी हंसी रोकने में नाकाम दिखाई दिया। तुर्की ने शाम के साथ सरहद पर ऑपरेशन के दौरान अहम कामयाबी हासिल कर ली। तुर्क फजाइया की जानिब से अमरीकी हिमायत याफ्ता कुर्द दहशत गर्दों पर शदीद बमबारी की गई। कई घंटे की बमबारी के बाद तुर्की की जमीनी फौज शाम के शहर अफरीन में दाखिल होने में कामयाब हो गई। फौजी ऑपरेशन के दौरान अब तक 18 अफराद हलाक, 50 जख्मी हुए। दूसरी जानिब शाम की हदूद से तुर्की के जुनूबी सूबे पर 3 मिसाइल दागे गए। शाम की तरफ से दागा गया एक मिसाइल रिफत बहादुर अली में घर पर गिरा, जबकि दूसरा मिसाइल चौराहे जमहूरियत पर गिरा। मिसाइल हमले में 5 अफराद हलाक और 37 जख्मी हो गए। जर्मनी की अपोजिशन जमात सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने चांसलर एंजेला मर्केल के साथ इत्तेहाद के साथ हुकूमत बनाने की मंजूरी दे दी। बाकायदा मुज़ाकरात रवां हफ्ते से शुरू होंगे। ईरानी सदर हसन रूहानी कहते हैं कि ईरान इराक के इत्तेहाद को मजीद बेहतर बनाना चाहता है। रूहानी ने ये बयान कुर्द रहनुमा बारज़ानी के दौरे ईरान के दौरान दिया। गुज़िश्ता वर्ष 25 सितंबर को आज़ादी से मुतालिक मुतनाज़े रेफरेंडम के बाद बारज़ानी का ये पहला दौरा ईरान है। अमरीका में हफ्ते के पहले रोज भी शटडाउन बरकरार है। हुकूमती इदारे बंद हैं, लाखों की तादाद में सयाह वापस जा रहे हैं।